देशतक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र वर्मा और आप तस्वीरें देख रहे हैं, गोहाना की तस्वीरें हैं जहां पर सोनीपत के एसपी हिमांशु गर्ग और पूरी टीम गोहाना पहुंची है, जहां पर कल यानी कि 7 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गोहाना पहुंचेंगे और जहां पर राज्य स्तरीय वाल्मीकि जयंती में वे बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। और उसी से ठीक पहले जो है सोनीपत के एसपी और उसके अलावा जो है 4 से 5 डीएसपीओं की यहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई हैं और यहाँ पर भारी पुलिस बल भी देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि पूरा गोहाना जो है एक तरह से छावनी बना दिया गया है, क्योंकि बरोदा रोड और पुराना बस स्टैंड, मुगलपुरा और सब जो ये गोहाना का मेन बाजार है, ये यहाँ के आसपास जो है काफ़ी व्यस्त जो है तम जो जगह है और यहाँ पर अब बैरिकेड भी लगा दी गई है, क्योंकि ट्रायल आज जो है सोनीपत पुलिस के द्वारा लिया गया है, क्योंकि कल जो है मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पर दोपहर 2 बजे जो है मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, उससे पहले जो है यहाँ पर सोनीपत के एसपी हिमांशु गर्ग के द्वारा ये कार्यक्रम का जायजा लेने, जो सुरक्षा का जो व्यवस्था है उसको का जायजा लेने गोहाना एसपी पहुंचे थे। उनके साथ जो है 3 से 4 डीएसपी की भी ड्यूटी लगाई गई है, उसके अलावा जो है कई एसएचओ की लेवल के जो अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पर लगाया गया है, ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। इसी को मद्देनजर देखते हुए जो स्थान है जहाँ पर रैली स्थल है वहाँ पर भी एसपी खुद पहुँचे हैं और वहाँ का जायजा जो है खुद एसपी ने लिया गया है, कहाँ से वीआईपी आएंगे, कहाँ से आम व्यक्ति आएगा, और इसका पूरा जायजा जो है एसपी ने लिया है। लेकिन जब बैरिकेड शहर में लगाई गई ट्रायल के बेस पर, तो गोहाना के जो मेन बाजार की जो दुकानदार है उन्होंने विरोध भी किया है, ये सुनने में आया है। और तो उन्होंने कहा कि त्योहार का सीजन चला हुआ है और इसी समय जो है रैली रख दी जाती है शहर के बीच, और उससे क्या है दुकानों पर काफी प्रभाव जो है इसका, मंदी का पहले ही प्रभाव है, और उसके बाद के अलावा जो है त्योहार होने के चलते जो है ये बैरिकेड लगा दी जाएंगी तो उनको काफी नुकसान जो है होगा। उसी को देखते हुए अब जो है जो दुकानदार है उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन एसपी से हमने बात की तो एसपी ने कहा कि ये हमें एक टेम्परेरी जो है एक बार ट्रायल करके हम देखते हैं, ये परमानेंट नहीं है, अभी कुछ समय के बाद जो है इन बैरिकेडों को हटा दिया जाएगा और लोगों की जो आमजन की जो सुरक्षा है उनका भी हम देख कर चल रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये देवला स्टेडियम के पास की तस्वीरें हैं जहां पर बैरिकेड लगाए थे, अब उनको हटा दिया गया है। और एसपी हिमांशु गर्ग ने दावा किया है कि यहां पर काफी जो है लगभग 650 से ज्यादा जो पुलिस बल के जवान और महिला एंड पुरुष दोनों के यहाँ पर जवानों की ड्यूटी यहाँ पर लगा दी गई है, ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना रहे। और बता दें कि कल मनोहर लाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है गोहाना के सबसे पहले बरोदा रोड पर वाल्मीकि आश्रम में जाएंगे, वहां पर जो है उसके बाद तुरंत बाद जो है गोहाना के देवला स्टेडियम में राज्य स्तरीय वाल्मीकि जयंती का जो कार्यक्रम होना है वहां पर आएंगे और वहां पर जो है लोगों को संबोधित करेंगे, और उसके बाद जो है कार्यक्रम का समापन जो है मुख्यमंत्री के अभिभाषण के बाद जो है यहाँ से समाप्त हो जाएगा। ठीक उससे पहले आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर बैरिकेड जो है शहर में लगा दी गई है, कहीं ना कहीं जो है शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और आप सभी से अपील है कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो है ये खबर हर व्यक्ति तक पहुंचे। और आपको बता दें कि कल जो कार्यक्रम है वह जो शहर का आसपास का जो एरिया है, मुगलपुरा, आदर्श नगर, पुराना बस स्टैंड और बरोदा रोड, ये लगभग पूरा ब्लॉक रहेगा। और एसपी हिमांशु गर्ग ने सभी शहरवासियों से भी सहयोग की अपील की है कि इस कार्यक्रम में जो है सहयोग करें, और इसके अलावा जो है शहर में जो भारी वाहन है उन पर पाबंदी लगा दी गई है, और बिल्कुल जो है कोई भी 2 दिन तक जो है आज और कल कोई भी भारी वाहन जो है शहर के अंदर से नहीं गुजर पाएगा। और एसपी हिमांशु गर्ग ने जो है कहा है कि शाम तक जो एडवाइजरी भी जारी हो जाएगी, यहाँ से कोई भी वाहन जो है नहीं निकल पाएगा, और रूट जो है वो भी डाइवर्ट किए हैं, अलग अलग जो डाइवर्ट की जो खबर है वो शाम को जो है एसपी के द्वारा बताया जाएगा कौन सा रूट से कौन सी गाड़ियां निकल पाएंगी। लेकिन मैं बता दें कि कल जो है पूरा शहर जो है एक तरह से जाम में रहेगा, क्योंकि
उधर से पुराना बस स्टैंड की बात कर लें, मुगलपुरा आदर्श नगर और पुराना बस स्टैंड, ये महावीर चौक है, वाल्मीकि चौक है और बड़ौदा रोड है, ये पूरा ब्लॉक रहने वाला है, जिससे आमजन को काफी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ सकता है, क्योंकि जो जगह है वो पहला जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री का बड़ौदा रोड पर है और तुरंत उसके बाद जो है देवला स्टेडियम पे मुख्यमंत्री आएंगे, तो ये जो रास्ता है, ये जो जगह है, ये इसको बिल्कुल ब्लॉक करने का काम जो है प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर रैली स्थल की, आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर जो है पंडाल पर जो है काम चला हुआ है और खुद SP जो है हिमांशु गर्ग यहाँ पहुंचे हैं और वहाँ का सुरक्षा का जो है जायजा लेते हुए SP पहुंचे हैं और अब जो है पुलिस की ड्यूटी भी यहाँ पर लगा दी गई है। और आप सभी से अपील है, जो भी खबर को देख रहे हैं, तस्वीरों को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और कमेंट्स करें, कोई आपको कोई बात पूछनी है तो कमेंट्स कर जो है आप पूछ सकते हैं। प्रोग्राम है गोहाना में और सुरक्षा टाइट कर दी है, कितने जवान लगाए हैं, कहाँ कहाँ नाके लगाए हैं, क्या रहेगा? देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम गोहाना में है, जैसा कि आप सबको पता है, तो उसी के लिए आज हमने एक विस्तृत मीटिंग यहाँ रखी थी, जिसमें सुरक्षा की व्यवस्था का जायजा लिया गया, जितने भी नाके हमने लगाए हैं, फोर्स लगाई है, उनको ब्रीफ किया गया है और आज भी अभी वो प्रोग्राम चल रहा है। अभी हम डिटेल्स अपनी डिटेल मीटिंग करेंगे और ऑर्गेनाइजर के साथ भी मीटिंग हमारी लगातार हो रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो प्रोग्राम है वो शांतिपूर्वक और अच्छी व्यवस्थाओं के साथ संपन्न हो। सर, शहर में बड़े वाहनों के लिए प्रतिबंध लगाया है कल तक के लिए जी, इसमें हम एक आज डिटेल ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी करेंगे और मेरे आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील भी है कि कल गोहाना शहर के अंदर अपना आवागमन जो है जितना कम से कम हो सकता है वो रखें। हैवी व्हीकल्स को हम जो अलग अलग पॉइंट्स पाचे हैं वहाँ से हम डाइवर्ट करेंगे और ऐसे जो शहर के अंदर भी, क्योंकि VIP मूवमेंट चलेगा तो इसलिए कई सारी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाएंगी, इसलिए इसके बारे में डिटेल एडवाइजरी हम आज जारी करने वाले हैं, जिससे कि आम जनता को कल समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके माध्यम से पता। सर, लेकिन बैरिकेडिंग आज ही कर दी है, कुछ दुकानदार विरोध कर रहे हैं कि अभी से पहले इतनी सुरक्षा टाइट कर दी, त्यौहार का टाइम है। देखिए, रिहर्सल्स होती हैं, सिक्योरिटी की स्टैंडर्ड ड्रिल्स होती हैं, रिहर्सल करनी पड़ती हैं, तो वो आज की रिस्ट्रिक्शंस टेम्पररी हैं, खाली प्रैक्टिस करने के लिए और रिहर्सल करने के लिए की गई हैं, आज रिस्ट्रिक्शन खुल गई हैं। कुछ रूटों को भी डाइवर्ट किया गया? कई सारे रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं, उसमें डिटेल एडवाइजरी में इसका मेंशन किया जाएगा। टोटल कितने पुलिस अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी लगाई? देखिए, वो तो सुरक्षा की दृष्टि से अब ऐसे बताना ठीक नहीं रहता है, लेकिन हमने जितने आवश्यकता अनुसार काफ़ी फोर्स लगा रखा है। चलिए, ठीक है सर।